We are going to start this basic mathematics for physics और इसमें हम trigonometry पढ़ेंगे। Physics में बेटे mathematics जब तक आप नहीं पढ़ते तब तक physics के concepts difficult लगने लगते हैं, लेकिन अगर maths आपका पक्का हो गया तो physics आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए, आज मैं physics teacher हूँ ही नहीं, आज मैं mathematics teacher हूँ आपके लिए। तो चलिए trigonometry पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने अब तक क्या पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि एक ट्रायंगल होता है ऐसा, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। भाई क्यों भाई, है ना, ये ट्रायंगल है मान लो आपका ए बी सी। अगर ये एंगल है थीटा तो हम साइन थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं, आपको याद है क्या? साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, बहुत आसान है। या फिर दूसरी भाषा में इसको कहेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो ये याद रखने के लिए आसान भी है। अपोजिट मतलब ए बी, अपोजिट साइड कौन सा होगा? ए बी। और इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा? ए सी। आसान सी बात है, ए सी। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, फटाफट बताइए, कौन बताएगा? फास्ट 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 फास्ट, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ जी हाँ, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जी हाँ। और एडजेसेंट साइड इस थीटा का, इस एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है? वो बी सी, बी सी अपॉन ए सी, ए सी, ए सी अपॉन ए सी, राइट, वेरी नाइस। उसी तरह आप मुझे बताइए कि टैन थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, कौन कौन बताएगा, फटाफट बताइए। टेन थीटा अपोजिट अपॉन साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। चलो एक काम करो, मुझे ये करिए, आपके इसमें चैट कर लो, चैट में मुझे भेजो, देखते हैं कौन कौन क्या क्या बता रहा है। पर्सनल भी कर सकते हो, कॉमन भी कर सकते हो, फटाफट बताइए। चलो फटाफट कर लो, देखते कौन कौन करता है। चलिए फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट, यस यस यस, कम ऑन कम ऑन एवरीवन। जी हाँ बिल्कुल, हाँ, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यस। कौन है ये? गार्गी है, हर्षा पाटिल है, हर्षा पाटिल, ओके, समृद्धि एंड कार्तिक, ओके वेरी नाइस, ओके करेक्ट है। हाँ बेटे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट में हम इसको लिखते हैं इस तरह से, अपोजिट है इसका ए बी, अपॉन एडजेसेंट है इसका बी सी।
ठीक है, और उसके बाद फिर हाँ गार्गी ने सारे लिख लिए, sec थीटा को sec थीटा, यस गार्गी दैट्स करेक्ट, वेरी गुड जी, और हाँ cot थीटा भी, यस ये तीन बस याद रख लो आप। देखो बेटे sin थीटा को याद रख लो, cos थीटा को याद रख लो, tan थीटा को याद रख लो, बाकी सारे अपने आप याद रह जाएंगे। कैसे? आसान है, sec मतलब cos का उल्टा होता है, cos के साथ इसका दुश्मनी है ना, इस cos को जब उल्टा ऐसे मान लेंगे अपन, उल्टा टांग दो इसको तो sec बन जाएगा। कोसेक का दुश्मन कौन है? साइन, वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है, तो ये होगा कोसेक। और कॉट किसका दुश्मन है? वन अपॉन टैन है, टैन का उल्टा है बस, आसान सी बात है ना। तो साइन कॉस टैन ये तीन अगर याद कर लिए तो अगले वाले तीन अपने आप याद रह जाएंगे, ठीक है। सेक किसका उल्टा? कॉस का, कोसेक किसका? साइन का, और कॉट किसका? वन अपॉन टैन, टैन का उल्टा है। क्लियर, ये समझ में आया इस तरह से? तो अगर आपने ये तीनों अगर कर लिए तो इसको उल्टा कर लो बस, कॉस को उल्टा कर लो, ये बीसी अपॉन एसी है तो इसको उल्टा करने के बाद क्या मिलेगा? एसी अपॉन बीसी मिलेगा, आसान सी बात है, एसी अपॉन बीसी। और साइन को उल्टा कर दो, साइन को उल्टा कर देंगे तो ए बी बाय एसी की जगह क्या आएगा? एसी अपॉन ए बी आ जाएगा, समझे। उसी तरह से कॉट मतलब टैन का उल्टा, कॉट मतलब टैन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी था तो बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये तो अपना रेगुलर है यार, ये तो नवीं दसवीं में पढ़ाया हमने, क्यों भाई, ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। तो इसको तो आपने पढ़ लिया पहले, क्या आपको ये ऐसे कुछ फॉर्मूले पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? वन। शाबाश, वन। हाँ जी भाई बिल्कुल सही है। और उसी तरह अगर मैंने लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सिक्स स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। और बेटे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीनों याद कर लो, है ना, इन तीनों को तो याद करना ही पड़ेगा हमें, है ना, इन तीनों को याद करना ही करना, ठीक है जी, बढ़िया। तो ये तो आपको जाने पहचाने हैं सारे लोग, है ना, इसको आपने पढ़ चुके हैं और इसको हमें ध्यान में भी रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये हमें पता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इनके अलावा भी हम और कुछ फॉर्मूलों को याद रखने वाले हैं अभी, ठीक है, जिनको मैं दूंगा तो इनको याद रखना। इनको डबल एंगल फॉर्मूला कहा जाता है, डबल एंगल फॉर्मूला, तो ये 11 12 में पढ़ाए जाते हैं और इनको आप याद रख लो बस। साइन ऑफ टू थीटा, डबल एंगल टू थीटा अगर है तो इसका कन्वर्जन सिंगल में करते समय ये हो जाता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटे, साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए है कॉस टू थीटा,
ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने लिए। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है 1-2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है यही कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा होता है कॉस स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा के लिए, इनको भी आपको याद रखना है। अंडरस्टूड? ये तीनों लिख लो फटाफट, इनको हमें याद रखना है, पूरा अच्छे से ध्यान में रखना है, इनमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पूरे पूरे याद होने जाने चाहिए सारे फॉर्मूले, ठीक है जी। तो इनको भी हम याद रखेंगे, ऑलराइट। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा बनेगा 1-2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एग्रीड? ग्रेट, यहां तक सब लोग समझ गए? यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम है? आगे बढ़े। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये तो हमने कर लिया, अब हम चलेंगे कुछ एंगल के बारे में सोचते हैं, कुछ एंगल के बारे में सोचेंगे हम, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है बेटे, एंगल जो हम मेजर करते हैं, तो जैसे कि मानो कि ये एक स्ट्रेट लाइन और ये एक स्ट्रेट लाइन, तो इनके बीच में हम बोलेंगे कि इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इसको मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एंगल को मेजर करते समय दो तरीके से इसका मेजरमेंट हो सकता है। इसका एक जो यूनिट है, इसको रेडियन से जानते हैं हम, और जो दूसरा होता है वो होता है डिग्री, है ना। अब ये डिग्री वाला तो हमें काफी पसंद है ना, जैसे 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree एंड सो ऑन, है ना, तो इससे हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन ये रेडियन वाला कॉन्सेप्ट कुछ जचता नहीं, क्यों भाई, है ना। तो ये रेडियन वाला कॉन्सेप्ट जरा हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस डिग्री की, बात करते हैं ये डिग्री क्या होता है। तो हम ऐसा कहते हैं कि जब सर्कल में, किसी भी सर्कल में अगर रेडियस जो हम कंसिडर करते हैं, ये इसका रेडियस है, सो दिस पर्टिकुलर रेडियस आर, इसका रेडियस है, तो इस रेडियस ने जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, यहां से घूम के ऐसे घूमा, गोल घूम के पूरा वापस यहीं पर आ गया फिर से, तो हम कहते हैं कि इसका एक चक्कर जब कंप्लीट होता है तो टोटल कितना एंगल वो सबटेंड करता है? 360 degree, है ना। टोटल एंगल इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में जो एंगल यहां पर कवर होता है, इन वन रोटेशन, दैट इज इक्वल्स टू 360 degree, ठीक है।
तो इसीलिए फिर अगर ये आधा ही घूमा मान लो, जब ये हाफ रोटेशन करता है तो कितना 180 डिग्री बोलते हैं हम इसी को, है ना। आधा जब घूमता है तो 180 डिग्री, जब 1/4 घूमता है तो कितना 90 डिग्री, ये सर नो। तो उस तरह से ये डिग्री का मेजरमेंट होता है। तो ये 360 डिग्री मतलब पूरा एक रोटेशन, ये हमें पता है, ठीक है। इसी में दूसरा होता है जिसको डिग्री में और एक सब यूनिट होता है कि 1 degree इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट, 1 degree 60 मिनट के बराबर होता है। अब 60 मिनट जो अपने इसमें अपने जो क्लॉक होता है उसके 60 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, जैसे 30 मिनट 45 मिनट जो बोलते हैं हम, तो ये वो वाला मिनट नहीं है। ये जो मिनट है ये एंगल का मेजरमेंट है, ये ध्यान रखना सब लोग। तो 1 degree का मतलब होता है 60 मिनट्स, ठीक है। तो ये मिनट्स में कैलकुलेट होता है। और उसी तरह से 1 मिनट जो होगा, 1 मिनट जो होगा, सो दैट इज इक्वल्स टू 60 seconds, 60 seconds। और ये मेजरमेंट किसका है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ योर एंगल इन टर्म्स ऑफ दीज यूनिट्स। तो ये यूनिट्स हमें याद रखने होंगे सारे, ठीक है। तो ये डिग्री में जब एंगल को मेजर करेंगे तो इस तरह से ये मेजर होगा। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो एंगल का मेजरमेंट हम देख रहे थे, एंगल के मेजरमेंट में दो प्रकार होते हैं, एक तो रेडियन दूसरा है डिग्री। सबसे पहले हमने डिग्री देखा, डिग्री का मतलब होता है कि जब आपका रेडियस पूरा घूम के एक सर्कल कंप्लीट करेगा, 360 डिग्री उसको कहा जाता है। और ये 360 डिग्री, 1 degree होता है 60 मिनट के बराबर। ये मिनट अपने क्लॉक वाला मिनट नहीं है, ध्यान रखना होगा। और ये जो सेकंड है ये टाइम वाला सेकंड नहीं है अपना, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ ऐसा बोलते हैं ना हम, ये वो वाला सेकंड नहीं है ये, ठीक है। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द एंगल, ऑलराइट बेटे। चलो इसी तरह अब मेजरमेंट देखेंगे हम। अच्छा, इसको पाई में भी मेजर किया जाता है तो वो बताता हूं मैं, ठीक है। अब रेडियन की तरफ आते हैं। अब ये रेडियन क्या होता है, और ये डिग्री को ऐसे ऊपर ऐसे गोल करके डिग्री दिखाते, पता है ना आपको, जैसे 30 degree, तो 30 और उसके ऊपर ऐसे गोल करो तो 30 degree, ये 60 degree, है ना, 90 degree एंड सो ऑन। रेडियन जो होता है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। अब ये रेडियन का कॉन्सेप्ट पहले हमें समझना होगा कि आखिर रेडियन होता क्या है यार। रेडियन में मान लो कि ये आपका रेडियस है, तो हम कहते हैं कि अगर ये रेडियस आगे चला गया, ठीक है, और मान लो कि ये यहां पर आ गया और इसने जो एंगल यहां पर सब्टेंड किया है वो अगर है थीटा, तो ये हम जानते हैं यहां पर इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जब आप मूव कर गए तो इसको कहा जाता है आर्क ऑफ ए सर्कल। ये क्या है, आर्क ऑफ ए सर्कल, आर्क ए बी है ये, ठीक है, आर्क ए बी। तो ये देखा गया बेटे कि एंगल थीटा वॉज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द आर्क लेंथ, जो इसने सर्कल पे सबटेंड किया है वो आर्क लेंथ ए बी डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के रेडियस से अगर आर्क लेंथ को हम डिवाइड कर देंगे
जो भी एंगल मेजर किया जाएगा वो एंगल कहा जाता है एंगल इन रेडियन, उसको एंगल इन रेडियन हम कहते हैं। ठीक है, तो ये रेडियन का फॉर्मूला है कि एंगल इन रेडियन अगर आपको ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें थीटा इक्वल्स टू होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, ये रहेगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहां पर इस सर्कल में अगर देखा जाए, ये जो गिवन सर्कल है, तो इस गिवन सर्कल में अगर देखा जाए तो इसको कैसे लिखना होगा, तो इसको लिखना होगा हमें दिस इज नथिंग बट आर्क लेंथ ए बी डिवाइड बाय रेडियस। ये यहां पर एंगल थीटा बनेगा और इसका यूनिट रहेगा रेडियन। इसका यूनिट क्या रहेगा, रेडियन रहेगा। इसका दूसरा एक डेफिनेशन है, वो भी ध्यान से सुनो तो आपको तुरंत समझ जाएगा कि ये रेडियन क्या है। रेडियन इज डिफाइंड एज, रेडियन को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि व्हेन यू ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, अगर आर्क लेंथ, जो आपका आर्क लेंथ है, इफ दिस आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल, आर्क लेंथ अगर रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर बन जाए तो मैं कह दूंगा कि आर्क ए बी की जगह पर आएगा आर, आर अपॉन आर इक्वल्स टू वन। क्यों भाई, थीटा, थीटा में क्या आएगा, आर डिवाइड बाय आर, वो बन जाएगा वन, है ना। सो एक रेडियन, तो ये डेफिनेशन हो गया। क्या डेफिनेशन है कि द एंगल वन रेडियन, एक रेडियन एंगल किसको बोलते हैं, एक रेडियन एंगल बोलते हैं उसको जब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो डिस्टेंस, वो आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर है, अगर वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, तो हम कहते हैं कि उसने जितना एंगल सेंटर के साथ सबटेंड किया है वो एंगल कहा जाता है एक रेडियन। वो एंगल कितना कहा जाएगा, एक रेडियन। क्या यहां तक आपकी समझ में आ गया, इसको फटाफट लिख लो बेटे फास्ट। ये ऊपर का लिख लिया था आपने, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में दो टाइप, रेडियन एंड डिग्री। और रेडियन डिग्री में डिग्री का लिख लो, रेडियन का भी लिख लो। क्या ये समझ में आया, इसमें कोई भी आपको दिक्कत है, शंका है, डाउट है, पूछिए फटाफट, कोई बात नहीं। आपको नहीं समझाए तो फिर से समझा दूंगा मैं, कोई भी चीज आपको अगर नहीं समझाए तो फिर से समझा दूंगा। लिख के हो गया ये पूरा? नो सर। द कन्वर्जन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन को देखने जा रहे हैं हम। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले 360 डिग्री इज इक्वल्स टू, डिग्री
360 पूरा टोटल, ये पाया गया कि रेडियन में ये पूरा एंगल होता है 2π रेडियन। अब ये पाई क्या है, पाई का मतलब होता है पाई इज अ कॉन्स्टेंट। पाई का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, पाई इज नथिंग बट 3.14, ये इसका वैल्यू होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना, 3.14, पाई का वैल्यू 3.14, सो दिस इज 3.14 होता है बेटे इसका वैल्यू रेडियन। तो इसीलिए इसको लिखा जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 6.28 रेडियन। रेडियन को रैड लिखते हैं, रेडियन RAD रैड, ठीक है। सो इसका मतलब 360 डिग्री किसके बराबर हुआ, 6.28 रेडियन के बराबर हुआ। तो क्या ये रिलेशन दोनों में समझ में आया आपको, ठीक है। उसी तरह ये 2 पाई के टर्म्स में अगर आपको करना है तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, या 90 डिग्री इक्वल्स टू इसका आधा पाई बाय 2 रेडियन, इस तरह से, ठीक है।